कोरोना को भगाने के लिए जनता कर्फ्यू को लोगों ने पूरे दिन सफल बनाया। शाम को 5 बजते ही बाबा गरीबनाथ मंदिर धाम के मुख्य द्वार के सामने मुख्य पुजारी विनय पाठक के नेतृत्व में घंटा बजाया गया। वहीं शंख ध्वनि कर वातावरण को स्वच्छ बनाने की पहल की गई। मंदिर में कई जगह घंटे बजे। इस मौके पर आध्यात्मिक गुरु पंडित कमलापति त्रिपाठी उर्फ प्रमोद ने सभी नागरिकों को बधाई और शुभकामनाएं दी और कहा कि कोरोना को दूर भगाने की पहल में जनता सफल हुई है। मोदी के द्वारा नियोजित है जनता कर्फ्यू में अपने आप को समर्पित कर समस्त देशवासियों ने एकजुटता का परिचय दिया है। सबने प्रधानमंत्री के द्वारा निर्णय इस निर्णय का समर्थन किया है कि देश के सुरक्षा चक्र को प्रबल करने में लगे हुए चिकित्सक है, सेनानी और पुलिसकर्मी का हम हौसला अफजाई अपने बालकों ने अपने दरवाजे और अपने छत से करेंगे। उसे क्रम में मैं भी हिंदुस्तान के पुनः रक्षण कर्मियों को जो चिकित्सक के रूप में, सेना के रूप में और पुलिसकर्मी के रूप में, चाहे सफाई कर्मी के रूप में, जिस भी रूप में हमारी सेवा दे रहे हैं, हमें हिंदुस्तान का रक्षण कर रहे हैं, सबका साथ सबका विकास हो, हिंदुस्तान स्वस्थ हो, यही हम कल्पना करते हैं।